अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेक वार्मर बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में 105 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। मेन यार्न से 8 सलाइयाँ लगाएंगे। ये 8 सलाइयाँ हम लूज बुनेंगे, तो टेंशन डायल नंबर 9 है। आठ सलाइयाँ लगाने के बाद फर्स्ट रो की तमाम स्टिचेस को नीडल्स पर हैंग कर देंगे और एक सलाई लगाएंगे। दरमियान की 11 स्टिचेस को छोड़कर लेफ़्ट साइड की 47 स्टिचेस को पहले वेस्ट यार्न में निकालेंगे, उसके बाद राइट साइड की 47 स्टिचेस को भी वेस्ट यार्न में निकाल लेंगे। इस स्टेप को 2 सलाइयाँ लगाकर शुरू करेंगे, मगर उससे पहले टेंशन डायल को 8 नंबर पर सेट कर लेंगे। हर 2 सलाइयाँ लगाने के बाद वेस्ट यार्न की स्टिचेस को अगली नीडल में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से स्टिचेस भी बढ़ती जाएंगी और लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये 65 स्टिचेस हैं और इंक्रीजिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्ट्रेट बुनाई करेंगे, तो वेस्ट यार्न की स्टिचेस को लास्ट नीडल पर हैंग करेंगे और 2 सलाइयाँ लगाएंगे।
लास्ट स्टिचेस को हैंग करने के बाद एक सिलाई लगाएंगे और तमाम स्टिचेस को वेस्ट यार्न में निकाल लेंगे। इस तरह के हम दो पीसेस बनाएंगे और 12 स्टिचेस से एक साइड से जोड़ने के बाद नेक की तमाम स्टिचेस को नीडल्स पर हैंग कर देंगे। टेंशन डायल नंबर 9 पर 60 सिलाइयाँ लगाएंगे। आप अपने रिक्वायर्ड लेंथ के मुताबिक सिलाइयों को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। लेज टूल की मदद से 2x1 रिब बॉर्डर बना लिया है और अब लास्ट में एक लूज़ रो बनाएंगे 10 नंबर पर और तमाम स्टिचेस को वेस्ट यार्न में निकाल लेंगे। इन स्टिचेस को नेक की फर्स्ट स्टिचेस के साथ नीडल की मदद से बाइंड ऑफ करेंगे।